झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के ध्रुवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर रथ यात्रा महोत्सव में पहुंचे। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की विधिवत पूजा अर्चना कर झारखंड वासियों के सुख समृद्धि शांति और खुशहाली और प्रगति की प्रार्थना की। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को भक्ति और समर्पण का पर्व रथ यात्रा की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। ये भारत माता जी का आशीर्वाद है कि मुझे राजनीतिक कोई भी परिस्थिति हो, मुझे आप लोगों से आग्रह कि यहाँ से पीछे आज के इस शुभ अवसर पर यहाँ पहुँचने का मौका मिलता है और रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लोग से मैं तभी से आग्रह कर रहा हूँ वॉलंटियर भाई से कि किसी को पीछे के लिए इसी लंबी परंपरा के साथ कि कम से कम 20 फीट हटाएं। आज भी हम लोग यहाँ राज्यपाल महोदय भी यहाँ उपस्थित हुए, कई सारे जनप्रतिनिधि यहाँ। इस दिन का तो वैसे भी जब आज ये यात्रा समाप्त होगी तो अगले यात्रा की इंतजार हमें रहती है। और पीछे दीजिए सर को, यहाँ पर पीछे दीजिए रस्सी से, बीच में कोई भीड़ नहीं लगेगी। गड़ी आपके लोगों का उत्साह और लोगों की खुशियां लोगों के चेहरे रुको। पूरे देशवासियों को, झारखंड वासियों को आप लोग से आग्रह है कि इसको आज ऐसे ही नहीं संचालित करें। यात्रा के शुभ अवसर आप लोग से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग पीछे भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद पूरे राज्य के जनता को मिले। इस अवसर पर सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल सहित अन्य लोग बड़ी संख्या में वहां उपस्थित दिखे। बता दें कि रांची के जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना साल 1691 में हुई थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहां मेले का आयोजन पिछले 300 सालों से होता रहा है। इस मंदिर की भव्यता बहुत ही आकर्षित करती है। इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। ऐसे में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन विशेष तौर पर पूजा अर्चना के लिए जगन्नाथपुर मंदिर पहुंचे हैं।